हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ कुमकुम आदित्य एंड फर्स्ट टाइम हमने सनराइज देखा है मैंने मेरी लाइफ में, आई मीन काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैं सुबह उठना ही नहीं होता। तो यस एंड एंड मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है, ये दो पहाड़ वाले मैंने बहुत कम देखा है, डबल लेयर वाले मैंने हमेशा सिंगल लेयर ही देखा है। सो ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में माता जी के जा रहे हैं, केला देवी टेम्पल जो राजस्थान के अंदर है, बहुत फेमस है और वो एक्चुअल हमारी कुल देवी भी मानी जाती है। तो इसी में रास्ते में हमारे जितने भी टेम्पल पड़ रहे थे हम सब जगह जाके आ रहे थे। तो फर्स्ट हमारा ये टेम्पल पड़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। एंड यहाँ के जो एक्चुअल में कहते हैं ना पंडित जी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। लाइक मंदिर में होता है ना, आप फोटो क्लिक मत कीजिए, ये पंडित जी आ गया कि मुझे बोले थे बेटा यहाँ से लो, यहाँ से अच्छा आएगा। सो बहुत सपोर्टिव थे। उसके बाद हम लोगों ने सुबह 5 बजे से चल के आ रहे थे, काफ़ी दूर था तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था। सो हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए रुक गए, मिर्ची बड़ा एंड समोसा कचौरी यही मिल रहा था उस टाइम, तो कोई ऑप्शन भी नहीं था उधर। उसके बाद हम रास्ते में नेक्स्ट टूर की ओर निकल गए। एंड अगर आप राजस्थान में चलोगे तो ऑफकोर्स आपको ऊंट और मुनाजिम है। उसके आगे एक्चुअल हम पहुंच गए केला देवी टेम्पल, तो हमें यहाँ जाके पता लगा कि मेला चल रहा है 1 महीने का माता जी का। सो बहुत ज़्यादा क्राउड था और ड्राइवर अंकल पार्किंग पे गए हुए थे, तब तक मैंने सोचा कि ये नींबू पानी पिया जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा। सो यही ठंडा ठंडा पिया और उसके बाद पानी वानी पी के हम निकल गए नेक्स्ट आगे माता जी के जाने के लिए। सो देखिए आप जैसा देख पा रहे हो क्राउड बहुत है, शॉप्स भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। एंड ये अंकल बुलाते हुए प्लीज़ इधर आ जाओ एंड आगे चलते जाओ। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसा बना हुआ है तो क्योंकि ताकि भीड़ ना लगे ना एक साथ, तो इसीलिए अंदर मंदिर के मना है फोटोग्राफी करना, तो सिर्फ बाहर तक ही कर सकते हैं। मेरी मम्मा ताऊ जी पीछे दोनों खड़े हुए हैं, गुड़िया 5 6 7 लोग आए हुए थे हम लोग, क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी पट बंद हो रखे थे। एक्चुअली उनको खाना खिलाया जा रहा था, 11:30 बजे की बात है। सो इसीलिए ज़्यादा क्राउड था, वरना नॉर्मली इतना ज़्यादा क्राउड तो नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद ये यहाँ पे नारियल सारे फेंके जाते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे चढ़ा दे, तो हमने फेंक के और बच्चों के साथ आई मीन इतनी क्राउड में सिंगल ना जाया जाए इंसान को। एंड यही फन करते करते हम पहुँच गए अंदर, ढोक दिया, फोटो अलाउड नहीं था तो हम उसके पास ही दूसरे मंदिर में आ एंड यहाँ पर मंदिर के जस्ट बाहर ही ढोल वोल बज रहे थे, तो मम्मी ताई जी और सब लोग डांस कर रही थी। सो ये जिनके साथ हम आए थे दोनों ताई जी हैं, मम्मा है, ये उनकी पास में जो है ये उनकी बहू है। एंड इसके बाद आता है ये राजभोग प्रसादम, ये मंदिर के अंदर ही है और यहाँ पे हमें 4 चपाती, चावल दाल और ये आलू टमाटर की सब्जी मिली और यहाँ पर लिटरली बहुत टेस्टी था। और खाने के बाद लस्सी तो बनती है पचाने के लिए। सो उसके बाद हम अपने आगे निकले, जैसे बाहर निकले पैदल चल के आते हैं आते हैं, तो बहुत मेहनत है भाई, हमसे तो सिंपल चला जाए वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम आगे गए, मैंने बताया था मेला था तो ऑफ कोर्स मेले की चीज़ें। उसके बाद हम ये केला देवी सेंचुरी के अंदर घुस गए क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है जो एक्चुअल केला देवी का मंदिर है ऐसा बोला जाता है, ये गुफा मंदिर है। यहाँ पर उनके पगलिया बोलते हैं, उनके पैरों के जो वो हैं वो एक्चुअल में है, तो हम यहाँ पे आए हुए थे। एक्चुअली हर मंदिर में हम ऊपर जाते हैं ना, इस मंदिर में हम लोग नीचे जा रहे थे, तो फन फैक्ट। उसके बाद नीचे उतरे और एक गुफा है तो ऑफ कोर्स आपको गुफा टाइप ही सब दिखेगा। और एक केला देवी की खासियत होती है, जहाँ एक्चुअल में केला देवी होती है, देखो आप वहाँ पे लाइटिंग्स नहीं होती, वहाँ पे दिए से रोशनी की जाती है। सो ये मुझे भी पता लगा। ऊपर गए तो मंदिर हनुमान जी का था, यहाँ दर्शन किया। एंड उसके बाद एक्चुअल साल भर रहता है तो ये भी अच्छी चीज़ ही है, आई मीन 24 आवर आना ओल्ड टाइम सीजन।
इस तरीके से हमारे 3 मंदिर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद ये गणेश जी का मंदिर, ये सब आपस में ही बने हुए थे वहाँ पे पास में। और उसके बाद यहाँ पे जो घर वर बनाते वो, और इसको देख के मुझे उदयपुर की याद आ जाती है पता नहीं क्यों। एंड ये है जो एक्चुअल में वो पगलिया वाला जो मैंने बताया था, एक्चुअल में जो है वो इस जगह पे, ये उनका पगलिया पैरों का वो जो था वो बना हुआ था। और ये ऐसे जो मंदिर है ना यहाँ पे गाइस, हर पेड़ के नीचे ऐसी वाली मूर्ति लगी हुई है, पता नहीं क्यों इतनी सारी मूर्तियाँ थी। और यहाँ कुछ फोटोज हमारी। एंड उसके बाद ये ऊपर से दृश्य जो लोग बाद में काफी डांस कर रहे थे, तो उसका काफी फन है यार एक्चुअल में। आओ डांस करो एंड मंदिर में एंजॉय। नहीं, उसके बाद ये जो गुफा है जिसके अंदर एक्चुअल में मंदिर है, आई मीन सारा एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में ही है, बट मैंने ज्यादा शूटिंग नहीं की अंदर कैप्चर, बिकॉज या तो आप अंदर पकड़ के ही जा सकते हो या आप देख ही सकते हो, बहुत कंजेस्टेड था ज्यादा। इसीलिए ऐसी मूर्तियां जो मैंने आपको बताया था हर जगह पे थे, तो वैसी मूर्तियां हर जगह पे थी। और यहाँ पे एक्चुअल में अब ताऊ जी जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि ये पहले बोल रहे थे नहीं आप जाओ, लेकिन हमें लगा ना कि बहुत अच्छा है, तब फिर बाद में गए ये। तो ये रास्ता है गुफा के अंदर जाने वाला, सो अच्छा था। एंड उसके बाद यहाँ पे मम्मी घर बना रही थी भैया के लिए, तो यहाँ मैंने बोला मेरे लिए कहाँ है भाई, का एक ही बेटा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए भी बनाया कि लो भाई लो आप भी लीजिए, आपका भी घर बने। मैंने कहा चलो, खुश हो गई मैं उसके बाद यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे निकल चुके हैं, और ये वापस कैला देवी के आगे जो मैंने आपको बताया था मेला चल रहा है। अब हम जाएंगे एक्चुअल दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे हम आए एक और मंदिर में। तो यहाँ पे ज़्यादा अलाउड नहीं था फोटोशूट करना एंड ऑल, सो मैंने बस दूर से थोड़ा क्लिप लिया। सो ये माता जी है यहाँ पर। उसके बाद हम राधा मदन मोहन जी के यहाँ चले गए, ये अलग मंदिर है। एक्चुअली यहाँ हम गए थे ज़्यादा क्राउड नहीं था, एक्चुअली यहाँ पे बहुत क्राउड होता है इस टाइम पे, क्या पट बंद हो रखे थे ना, तो हम लोग को दर्शन नहीं हो पाए। बट मैंने मंदिर का पूरा ऐसे टूर कर लिया, अच्छा मंदिर है, सुंदर है, झूमर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। एंड इसके बाद मम्मी और ने परिक्रमा वगैरह लगाई, बिकॉज परिक्रमा तो बंद नहीं हो सकती है ना, बेसिक सी बात है, आप हमें कैसे रोक सकते हो उसके लिए। तो सो यहीं तब तक मैं और ताऊ जी और हम सब लोग इनका आउटलुक देख रहे थे, काफ़ी अच्छा बना हुआ है एक्चुअल में देखा जाए। हमारे इंडिया के जो मंदिर है ना बहुत अच्छे बने होते हैं। उसके बाद बाहर निकले मंदिर से, मैंने चाट खाई मम्मी, और चूड़ियाँ ले रही थी, काफ़ी अच्छी बैंगल्स की शॉप है यार यहाँ पर, मेरे को पता नहीं था। और बहुत काफ़ी ज़्यादा पैसे भी काफ़ी कम थे, मतलब अफोर्डेबल थे अच्छा खासा। तो हम यहाँ से बाहर निकले, एंड देखो इंडिया में गाइस कमी नहीं है बिल्कुल टैलेंट की, बिल्कुल भी नहीं है। रोड चलते आपको कुछ भी मिल जाएगा, मतलब टैलेंटेड ही टैलेंटेड लोग भरे हैं, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया रात का, एंड काफ़ी अच्छा था, लजीज खाना था। उसके बाद हम घर पहुंच गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।